Hello my beautiful people, once again welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing super awesome. Guys, I'm very happy today that I'm filming this vlog for you guys. It's gonna be a really fun vlog. It's not around fashion, not around anything. So guys, इस वीडियो में मैं आपको किसी स्पेशल से मिलवाना चाहती हूँ. दो वो मेरी छोटी बहन की तरह है एंड शी इज़ रियली नाइस, शी इज़ रियली क्यूट. दे आर एक्चुअली थ्री सिस्टर्स और उनमें से जो एक है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है. मैं उनको काफ़ी टाइम से जानती हूँ और मेरी वीडियो में भी पहले आई है. सम ऑफ यू रिसेंटली आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट देम कि आप उनको कैसे जानते हैं सिंस आई डूइंग रियली वेल इन द यूट्यूब इंडस्ट्री. सो गाइज, मैंने सोचा क्यों ना मैं उनके साथ एक व्लॉग करूं, क्योंकि अभी मैं आई एम एट माय पेरेंट्स हाउस. तो मैंने सोचा लेट्स कैच अप विद देम, डू अ फन व्लॉग, गो आउट, चिल, स्पेंड सम गुड टाइम. सो आई एम गोइंग टू गो आउट विद देम एंड आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस राइट रिलेटेड टू देयर यूट्यूब थिंग एंड इट्स गोना बी रियली अमेजिंग वीडियो. हम काफ़ी टाइम बाद मिलेंगे आफ्टर माई मैरिज. सो I want you guys to stay tuned till the end to enjoy this video, to sit back, relax, and see how it goes. And yeah, be with us. And I'm really sure you're gonna enjoy this vlog. So stay tuned till the end, guys. I'm gonna see you very, very soon. अभी मुझे बस ready होना है. मुझे उनके घर जाना है और फिर वहाँ से we're gonna go out and yeah, we'll have fun. Bye. I'll see you on the other side. Hi. आप बोल पसीने पसीने गर्मी इतनी ज़्यादा. हाँ, अंदर जाओ. गाइस, हमारी 2 बजे की बात हुई थी और 3 बज गए. 4 बजने वाला है. नहीं, 4 कहाँ, कितना बज रहा है? नहीं, 4, 3, 3. अब 4 बज जाएगा. देखो गाइस, पहचाना आपने कौन है, ये किसके बारे में मैं बात कर रही थी? अभी थोड़ा सा धुंधली आ रही है वीडियो, अभी पता चल जाएगा कौन है. अच्छा है, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है. तो हाय गाइस, मैंने आज आपको अब इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं किसी स्पेशल बंदे से मिलने जा रही हूँ और आप लोग भी उनको जानते हैं. तो आई थिंक अब आपने पहचान ही लिया होगा. दे आर थापा सिस्टर्स. वन ऑफ द सिस्टर्स इज स्टिल मिसिंग. तो आज मैं बहुत टाइम बाद, आई थिंक शादी के बाद ही मैं ऐसे मिल रही हूँ, राइट? नहीं तो हम लोग ऐसे मिले ही नहीं हैं. सो बहुत टाइम बाद हम लोगों ने कैचअप किया. तो हमने सोचा चलो वीडियो बनाई जाए और मेरी बहुत सारी ऑडियंस जो नहीं जानते कि मैं उनको कैसे जानती हूँ और हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं और हम मतलब क्या रिलेशन है और फ्रेंड्स हैं क्या है. सो मैंने सोचा चलो एक क्विक Q&A राउंड करते हैं ताकि आप लोगों को भी पता चले, क्लैरिटी मिले कि लाइक हाउ वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर. और सोचा कि एक फन ब्लॉग, एक वीडियो भी हो जाए. हम बाहर जाएंगे, विल स्पेंड सम गुड टाइम. एंड सो चाय भी आ गई है गाइस. सो चाय के बिना हर चीज़ अधूरी है. आंटी है, नमस्ते आंटी. सो जी बढ़िया. और पता है मम्मी, कल आपको मैं राजपत नगर वाला ब्लॉग मम्मी वो क्या बोलते हैं आंटी, थैंक यू आंटी, दैट्स द स्वीटनेस ऑफ अ मदर. सो या गाइस, चाय पी के भी थे हम इसको ब्लॉक करेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. अब पता है कल मम्मी बोली रही थी कि मुझे ना बहुत अच्छी लगती है आंटी, मुझे ना बहुत अच्छी लगती है. इधर तू ना बोलने का तरीका, बोलने का तरीका कितना अच्छा है. मुझे ना बहुत अच्छी लगती है मम्मी. क्या होती है मम्मी, पता है क्या होती है मम्मी, ये बहुत सही रहेगा चाय में डालती. आंटी बैठी ना आप भी. अच्छा बबू लो ना चाय, सृष्टि नहीं पीती है. ओके सो बबू, मैं आपके मुँह से भी सुनना चाहूँगी कि हम कि जैसे कि मैंने बोला कि शी इज़ जस्ट लाइक माई लिटिल सिस्टर. सो बहुत छोटी है मुझसे एंड दैट टू शी इज़ डूइंग रियली वेल इन हर लाइफ. एंड जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली की और बाहर भी, यू नो शी इज़ वर्किंग और प्रोफेशनली भी, यू नो द वे शी इज़ कैरिंग हर सेल्फ, कंडक्टिंग हर सेल्फ इज़ एक्सेप्शनली वेल. सो कभी कभी होता है ना, आप अपने छोटों से भी सीखते हो.
सो शी इज वन सच गर्ल एंड शी इज अ स्वीट हार्ट. तो चलिए इनके मुंह से भी सुनते हैं कि ये मुझे कैसे जानती है और हम लोग कैसे मिले. इट्स बीन आई थिंक बहुत साल हो गए हम एक दूसरे को जानते हैं. 9-10 years ज्यादा ही हो गए. हाँ. तो मैं बताती हूँ हम कैसे मिले. एक्चुअली हमारे ऐसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था ना हम साथ पढ़े हैं. एज आरती दीदी टोल्ड यू ऑल दैट मतलब हमारा बहुत एज डिफरेंस भी है और मतलब वी आर नॉट लाइक कलीग्स या क्लासमेट्स या ऐसे कि स्कूल टाइम फ्रेंड हो ऐसा भी कुछ नहीं है. तो मेरी जो नेबर है साधना दीदी जो आप इनके ब्लॉग्स में बहुत देखते होंगे जो हमारे वीडियो में कभी नहीं आती है इतना शर्माती है इनके वीडियो में आ जाती है क्योंकि जबरदस्ती लाती है. कुछ काम नहीं चल सकता ना उसका. उसका काम मेरे पे डिपेंड करता है मेरा काम उस पर डिपेंड करता है. मैं शॉपिंग करनी है खाना है पीना है. सो हाँ शी हैज टू बी देयर. तो साधना दीदी जो है वो मेरी नेबर है और उनके थ्रू ही मतलब साधना दीदी जब स्कूल में पढ़ती थी फिर कॉलेज में ट्यूशन में तो फिर आती थी उनके घर आती थी. तो ऐसे ही पहले मैं साधना दीदी से ट्यूशन पढ़ती थी जब मैं बहुत छोटी थी. फिर ऐसे ही मतलब कभी जिक्र हो जाता है ना कि एक फ्रेंड का तो आती थी भी आती थी तो हम देखते रहते थे. तो मतलब ऐसे ही हमारी फिर ना बातचीत हो गई नॉर्मली. फिर जैसे आरती दीदी को कभी कहीं जाना था तो मुझे याद है वो बहुत पहले मैं शायद स्कूल में थी हम वो कहीं पैसे भी नहीं गए थे आपको कुछ शॉपिंग करना था. तो उसके बाद ऐसे हुआ फिर आरती दीदी साधना दीदी वाले मुझे वो कुछ चल सकते हो ठीक है. तो दैट्स हाउ वी गॉट अलोंग. कि मतलब फिर हम ऐसे ही बाहर जाने लगे. फिर कभी जैसे मार्केट जाना है आसपास और घर भी आसपास ही है मतलब इतना पास भी नहीं है बट हाँ जो भी इंटरेक्शन हुआ वो ऐसे ही हुआ. एंड देन उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर ये है कि कॉमन इंटरेस्ट कभी आ जाता है तो लाइक आफ्टर आई ऑल्सो प्रोफेशनली डेवलप तो फिर मैंने आरती दी से भी कुछ कुछ गाइडेंस ली उनसे कुछ कुछ पूछा. एंड हाँ फिर ऐसे ही करते करते थोड़ी फ्रेंडशिप हो गई. अब कभी बाहर जाना होता है तो चले जाते. फिर एक यूट्यूब वाला इंटरेस्ट भी जिसे इनको ये मतलब हमसे पहले से वीडियोज बनाती हैं काफ़ी पहले से तो इनको मतलब काफ़ी वो सब इंटरेस्ट है और ये बहुत क्रिएटिव है और इनका फैशन सेंस बहुत अच्छा है. तो मैं तो ये पूछी थी ये कैसे करूँ ये जैसे मुझे कहीं जाना है तो मैं पूछूंगी मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊँ. आज भी जो कपड़े मैं पूछ रही थी मैं ये पहन लूँ. तो मतलब हाँ दैट्स हाउ वी मेट. Yeah, that's great. Quite a long introduction. मेरे आंसर लंबे होते हैं. बट एक चीज जो बब्बू ने मिस कर दी वो मैं बताऊंगी हम क्यों कनेक्ट हुए. बिकॉज वी बोथ आर टॉकेटिव. राइट. वी कैन टॉक एंडलेसली. साधना इज कंपैरेटिवली लाइक यू नो शी इज क्वाइट शी डजंट टॉक मच. शी डज बट नॉट एज मच एज वी डू राइट. सो and I'm a patient listener also. So Babu used to tell me a lot of stories college ki school ki. So I used to listen to her patiently. So dheere dheere jab aap kisi ke sath I mean you don't need a reason right to be able to connect with anyone. It's just the vibes that match. So as simple as that ki hamari vibes match kar gayi. And she is Srishti guys and Appa sisters mein. So she is studying in school aapko pata hi chal gaya hoga dekh ke. And she is very cute aur this is also like so commendable ki school ke sath sath ye bache like vlog kar rahi hai aur I'm sorry I have a sore throat. uske sath sath sari cheeze manage karna vlogging bhi apni sister ko bhi help karna apni padhai ko bhi acche se dekhna wo kaise kar rahe hai ye bahut hi commendable hai aur chote chote jo bacche hain jo videos dekhte hain unko bhi ek lesson lena chahiye ki kaise wo apne time ko to the optimum utilize kar sakte hain aur aage badh sakte hain. सृष्टि आप कैसे मैनेज करते हैं बताना चाहोगे? तो पहले तो मैं जो स्कूल जाती हूँ फिर स्कूल का टाइम होता है लोगों से. हाँ. मैं तो 4 बजे घर आती हूँ. अरे बाप रे. हाँ हमारा लेट लेट का है. अच्छा. अगर जैसे बाकी बच्चे बहुत ऐसे 7 बजे नहीं होता उसमें. नहीं 9 बजे का है. अच्छा 9 बजे. 9 से 4 बजे फिर मैं घर आती हूँ. फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करके मतलब कुछ जैसे बब्बू करके रख देती है थोड़ा बहुत रेस्ट फिर उसको बाद में मैं कर देती हूँ. फिर बब्बू भी मतलब बना ही लेती है बब्बू भी कर लेती है फिर उसको मतलब थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ. फिर मैनेज हो जाता है कि यानी फिर ऐसे नहीं होता कि पढ़ाई रह गई या फिर ये भी रह गया दोनों हो जाता है. दोनों मैनेज हो जाता है. कभी ऐसे भी तो बहुत थक जाते हो चिड़चिड़ापन आ जाता है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है. संडे का भी मन करता है कि सिर्फ सो जाए कुछ ना करे सिर्फ रेस्ट करे क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है. मेरे साथ भी मुझे ये फील होता है कि यू जस्ट वॉन्ट डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग जस्ट वॉन्ट टू सिट रिलैक्स एंड यू नो जस्ट स्लीप एंड ईट एंड रिपीट. तो कभी ऐसे होता है कि बहुत टायर्ड हो जाते हो. हमारे जैसे बहुत गैप आ गया था लॉकडाउन हम कर ही नहीं पा रहे थे मतलब ये भी ऑफिस जा रहे थे हम सुधर तो हो ही नहीं पाता. पर अब हम जाके थोड़ा बहुत मैंने सोचा यस करना ही पड़ेगा एकदम.
अच्छा नहीं कभी कभी ऐसा फेज आ जाता है ना मतलब यू डोंट फील लाइक गेटिंग बैक टू द वर्क ना मतलब क्योंकि आप बाकी चीजों में इतना उलझे हुए होते हो दैट यू डोंट फील लाइक एक एडिशनल एक चीज पिकअप कर लो ऑल्दो वो चल रही है यू शुड पे अटेंशन टू इट बट समटाइम्स ऑर्गेनिकली नहीं आता है वो फोर्सिबली आता है तो हम उस टाइम पे ना वी जस्ट डोंट थिंक मच हम उसको थोड़ा वैसे ही रखते रेस्ट मोड पे रखते हैं तो बाबू तुम्हारे लिए कि बहुत डिफिकल्ट होता होगा घर देखना जॉब और फिर उसके साथ यूट्यूब और फिर उसके सारी डायनेमिक्स समझना और उसको लाइक योर चैनल इज मोनेटाइज एंड सो मेनी पीपल वॉच इट तो लाइक आप कैसे उसको जो आपकी फ्रीक्वेंसी रहती है ब्लॉग्स की जो आप हर वीक डालते हो तो कैसे मैनेज करते हो कि ऑफिस के साथ साथ लाइक घर आके वीडियो बनाना डेली कंटेंट शूट कैसे करते हो या हफ्ते में दो बार भी अगर डालते हो तो फिर कंटेंट कैसे लेके आते हो हु एडिट्स इट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सप्रेशन से आपको पता ही चल गया तो हर बार सृष्टि एडिट करती है हाँ तो बेसिकली हाउ वी डू आर वीडियोज रूटीनली पहले क्या था ना कि हम जो भी वीडियोज बना रहे थे तो वी वर डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस बिकॉज उस टाइम लॉकडाउन था हमारे चैनल को नहीं भाग भाग के ऑफिस भी जाना है देन जिम भी जाना है उस टाइम सब स्टैंड स्टिल था मतलब तो उस टाइम वी यूज टू डू डेली वीडियोज क्योंकि सब कॉन्ट्रीब्यूट भी करते थे बिकॉज एवरीबडी वॉज एट होम तो उस टाइम ऐसे हो जाता था मतलब यू हैड टाइम फॉर एडिटिंग यू हैड टाइम टू थिंक कि हम क्या नया करें और उस टाइम ये था उस टाइम दिमाग में बहुत अच्छा चलता था बिकॉज बाहर जाने के लिए होता नहीं था तो आइडियाज खुद ही स्ट्राइक करते थे कि भाई कोई चैलेंज वीडियो कर लिया कभी नॉट टू लाफ चैलेंज कर लिया कभी कोई प्रैंक कर लिया कभी जोलो चिप मंगा लिया ऐसे कुछ भी करते थे देन सडनली व्हेन द लॉकडाउन सेकेंड लॉकडाउन वॉज लिफ्ट अप तो उसके बाद लाइक वी मतलब वी चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर व्लॉग्स तो तब हम ऑल्टरनेट करने लग गए तो ठीक है वो मैनेज हो रहा था बिकॉज वर्क फ्रॉम होम में भी थोड़ा बहुत तो प्रेशर आ जाता है देन आई स्विच्ड माय जॉब एंड फिर वो है कि उसमें मुझे डेली जाना होता था ऑफिस तो तब मेरा ये रहता था सैटरडे संडे ऑफ रहता था तो आई यूज टू मेक सैटरडे संडे वीडियोज बाकी पाँच दिन में नहीं बना पाती थी बिकॉज बहुत मुश्किल हो जाता है और जो लोग वीडियोज़ देखते हैं मतलब उनको लगता है कि लाइक इट्स जस्ट पिकिंग अप द कैमरा एंड हैविंग फन बट इट्स नॉट लाइक दैट उसके लिए भी टाइम निकालने के लिए यू नीड टू थिंक अ लॉट बिकॉज वही अगर कोई बंदा पाँच दिन काम कर रहा है टू मेक वीडियो ऑन दोज एक्स्ट्रा टू डेज दैट इज ऑल्सो इट्स नॉट लाइक दैट यू आर वर्किंग फाइव डेज अ वीक वी आर वर्किंग सेवन डेज अ वीक इट्स लाइक वी आर ऑन जॉब हाँ मतलब एक आपका जो परमानेंट जॉब है सिंस आई एम वर्किंग लाइक अलॉन्ग विद द यूट्यूब थिंग तो एक जॉब तो चलता ही रहता है बट उसके साथ एडिशनल जॉब है वो भी चल रहा है तो वैसा है तो बट या अब है जैसे वी हैव पिक्ड अप तो बीच में हमारा क्या हुआ था ना बहुत गैप आ गया था दस बारह दिन क्योंकि बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा था इवन दो वर्क फ्रॉम होम अब दूसरे जॉब में शिफ्ट हो चुका है बट स्टिल यू नो समटाइम्स यू डोंट नो कि यार दोबारा से उस चीज़ को कैसे पहले जैसा बनाया जाए क्योंकि उतना एंगेजिंग भी आपको वीडियो रखना है कॉन्टेंट भी आपको सोचना है यू कैन नॉट शो योर होम एवरी डे एंड यू कैन नॉट मतलब मेक रूटीन वीडियोज बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग दिस मतलब आजकल तो हर कोई बना रहा है तो वही है कि आप थोड़ा हमने मतलब ये सोचा है लाइक ऑल्दो ये हमारे लिए थोड़ा अपने आप को पुश करने जैसा है बट ये थॉट कि हाँ अब हम थोड़ा ट्रैवल का भी करेंगे थोड़ा वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर या वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर एवरीथिंग जैसे मैंने पीछे ना कोई हेयर केयर का वीडियो बनाया था नॉट लाइक योर्स आपका तो काफ़ी होता है व्यू टेल अबाउट प्रोडक्ट्स एंड लॉट मोर थिंग्स बट वहाँ मैंने ऐसे ही बताया था कि मैंने एक हेयर टॉनिक बनाया था घर पर तो उसमें देखो लॉट ऑफ कमेंट्स कि हमें बताओ ये कैसे बनाया तो आई थिंक पीपल आर लॉट मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स ऑल्सो तो मतलब ऐसा है कि हमें ट्राई करना चाहिए जैसे मैंने ट्रैवल का सोचा हो तो अभी ऐसे कहीं गई नहीं मैं ट्रैवल करके बट अगर आरती दी प्लान बनाएगी तो मैं तो ऑन कब से बोल रही हूँ मैं बनाती नहीं है प्लान मैं प्लान बनाती हूँ गाइस नाउ शी इज लाइक साधना दीदी भी चले आप भी चलो हाउ कैन आई गारंटी अबाउट हर लाइक यू नो इफ आई हैव टाइम शी डजंट हैव टाइम व्हेन शी हैज टाइम आई डोंट हैव टाइम सो इट्स लाइक थ्री ऑफ अस कमिंग टुगेदर लाइक पता नहीं वो कभी लिखा हुआ है एंड आई डोंट नो व्हेन विल वी प्लान दैट सो आई एम तो रेडी अब लेट्स सी हमारा प्लान कब मटेरियलाइज होता है ओके दैट्स ग्रेट सो पप्पू कभी ऐसे भी होता लाइक आप अपनी जॉब भी कर रहे हो और उसमें भी यू नो यू हैव टू बी लाइक वेरी कंपेटिटिव सो कभी ऐसे नहीं लगता है कि सिर्फ जॉब पे फोकस करती हो और यूट्यूब जाने देती हो या यूट्यूब पे फोकस करती हो बिकॉज यू नो
YouTube पे एक मार्क क्रिएट करना इट्स नॉट ईजी राइट एंड व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू यू इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. तो ऐसे होता है कि यू नो जॉब वॉब छोड़ देते हैं और सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं. सो व्हाई यू आर सेलिंग इन टू बोर्ड्स एंड व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म प्लान्स कि कब सिर्फ यूट्यूब ही आपने सोचा है कि सिर्फ आप यूट्यूब पे ही फोकस करोगे यू विल लीव अदर थिंग्स बिहाइंड. तो ऐसा कुछ है आपके थॉट प्रोसेस या आपके माइंड में? सी एज ऑफ नाउ मतलब आर चैनल इज डूइंग गुड. आई एम नॉट सेइंग इट्स डूइंग ग्रेट बट येस इट्स डूइंग गुड. तो बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं कि मतलब लाइक यू लीव योर जॉब कम्प्लीटली एंड फोकस दिस बिकॉज इट विल हेल्प यू यू नो ग्रो योर चैनल एग्जैक्टली. You'll be able to put in more efforts, more time, right. more energy. But कहीं ना कहीं I am थोड़ा बहुत I am like not very comfortable doing that because channel के dynamics ना हमेशा change होते रहते हैं. तो you don't know what would be popular the next moment. Yeah, yeah. ठीक है अभी Instagram पे एक reel चल रही है वो तो यू डोंट नो कि पब्लिक को कौन सा कंटेंट पसंद आ जाए. कभी कभी वो बिल्कुल क्रिंज भी पसंद कर लेते हैं बिकॉज सम पीपल आर मेकिंग क्रिंज एंड पीपल आर लाइकिंग इट सम पीपल आर अब्यूजिंग एंड पीपल आर लाइकिंग इट बट इट डजंट मीन हम अपना डायनामिक्स वैसे बना रहे हैं. तो इसीलिए मुझे लगता है कि प्रोफेशनली मैं इसीलिए अभी जॉब कर रही हूँ लाइक यू सेड कि व्हाई आर यू सेलिंग इन नो बोर्ड. सो लाइक Like to put it in simple words, I think ki I have put in lot efforts in my studies. Right. So like I have put in matlab much efforts in my studies. So mujhe aisa lagta hai ki if I'm getting a decent and the job I'm doing is very good. So mujhe wahan se acha recognition mil raha hai. That's why I'm able to put my heart to it. It's not like that yaar main matlab bahut aise bekar aise thak haar ke mujhe naukri karni pad rahi hai. Just like a ki wo hai to job mujhe financial स्टेबिलिटी दे रहा है. इट इज मेकिंग मी इंडिपेंडेंट एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि हाँ अगर मैं यूट्यूब में अगर मुझे कुछ एक्सपेंसिव लेना मतलब अगर यूट्यूब के लिए मुझे कल को कुछ स्पेंड भी करना है तो आई कैन डू दैट कॉन्फिडेंटली बिकॉज आई हैव दैट बैकअप. तो आई हैव दैट बैकअप. इट्स नॉट लाइक दैट आई एम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन वन सोर्स. तो यूट्यूब फॉर मी इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मोनेटाइज है इसलिए उसको आगे बढ़ाने के लिए कर लो. आई फील दैट आई हैव पुट इन एफर्ट्स तो मेरा जॉब भी चलता रहेगा एंड लॉन्ग टर्म में मतलब लाइक यू आस्क लाइक इफ यू हैव एनी प्लान्स टू लाइक कम्प्लीटली स्विच टू यूट्यूब तो आई वुड से नॉट एट द मोमेंट बट हाँ आई वुड रियली विश कि मेरे चैनल पे भी 1 मिलियन हो जाए बिकॉज वो हर किसी का ड्रीम होता है. चाहे किसी के चैनल पे 10 व्यूअर्स भी है ना तो उसके दिमाग में भी वो ड्रीम रहेगा कि यार मुझे भी एक मतलब ना 1 मिलियन जाना है या ऐसा कुछ करना है इस क्रिएटर के जैसा बनना है. तो आई ऑल्सो हैव दैट जील टू यू नो टू मूव दैट फॉरवर्ड बट आई विल डू दैट अलॉन्ग विद माई जॉब फॉर नाउ एंड इवन लाइक इफ एवर आई वुड लाइक टू स्विच टू यूट्यूब कम्प्लीटली सो दैट दैन इट वुड बी आफ्टर आई अचीव समथिंग बिग प्रोफेशनली. सो वो आप मेरी आगे की जर्नी में देखोगे अगर हो पाया तो टच वुड टच वुड ऑफ कोर्स विश हर ऑल द वेरी बेस्ट. आई मीन द वे शी इज गोइंग एंड द वे शी इज हैंडलिंग एवरीथिंग मतलब इट्स लाइक प्रेज़वर्दी गाइस. अच्छा तो मैं दोनों से पूछती हूँ. ओके सो गाइज आई एम ऑल्सो वर्किंग राइट. मुझसे बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं आप इनको कैसे जानते हो आप इनकी वीडियो में आए हो या आप इनके साथ वीडियो बना रहे हो. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यू नो कि समवन हु इज़ अ फ्रेंड टू मी एंड पीपल नो देम एंड सम हाउ यू नो दे गेट वेरी हैप्पी व्हेन दे गेट टू नो दैट आई एम कनेक्टेड टू देम दे आर पॉपुलर फेसेस नाउ. सो गाइज आपको कभी आसपास लोग ऐसे मिलते हैं ऑफिस में या बाहर की हम तो आपके ब्लॉग्स देखते हैं और हम आपको जानते हैं और सृष्टि से आप तो भी बहुत छोटे हो और इतनी कम एज में मतलब फेमस हो जाना लाइक टू बिकम अ नोन फेस. सो कैसे मतलब हाउ डू यू डील विद इट और कैसी फीलिंग आती है जब आपको बोला जाता है. तो लेट्स स्टार्ट विद यू. मेरे को तो जैसे मैं स्कूल में जाती हूँ मुझे जैसे लंच वगैरह होता है छोटे छोटे बच्चे आते हैं दीदी मैंने आपको वहाँ देखा है दीदी मैंने आपको वहाँ देखा है. अच्छा तो बस उनसे बात करती हूँ तो मतलब ऐसे होता है आप बहुत अच्छे लगते हो नाते हुए ऐसे ऐसे बोलते हैं स्कूल हर बार ही आते हैं वही वो बार सेम बच्चे वही आते रहेंगे. अच्छा बोलते रहेंगे. अच्छा कई बार ऐसे सीनियर्स होते हैं वो भी आके बोलते हैं हमने तुम्हारे देखे हैं और टीचर्स भी बोलते हैं मैंने तुम्हारा वो देखा है तो वो भी पूछते हैं. तो आप लोग खुद नहीं बताते हो बट वो खुद ही देखते हैं यूट्यूब पे जिनको पता चलता है. दोस्त होते हैं वो जाके बातें फैला देते बिल्कुल ही उनको तो मना करते हैं वो फिर भी नहीं सुनते वो तो जाके हर किसी को बता देंगे. अच्छा एक बार मैंने सुना था आप लोग आ रहे थे घर वापस रिक्शा और समथिंग और फिर
किसी ने बोला हम आपको जानते हैं, हमने आपकी वीडियो देखी है, फिर भी आई थिंक मे बी सम टाइम्स बैक, आई डोंट रिमेंबर, शायद आपको भी याद ना हो, तो आपको बप्पू आपको पहचानते हो लोग या कभी ऐसा होता है ना, बिकॉज यू आई एम श्योर यू डोंट टॉक अबाउट इट, राइट? आई तो जस्ट इन ऑफिस आल्सो आई जस्ट गो सिंपली, मतलब ऐसे कुछ हो नहीं किया हुआ है, बट हाँ मतलब रिसेंटली वन ऑफ माई कलीग्स फाउंड आउट अबाउट माई चैनल, अरे यू आर सो पॉपुलर, आई एम ऑल्सो वन ऑफ योर सब्सक्राइबर नाउ, तो ऐसे हो जाता है. एंड समटाइम्स क्या होता है ना, चलो जब हम शॉपिंग करने गए हुए होते हैं, तो कुछ खा रहे होते हैं, वो बड़ा ना एम्बैरेसिंग लगता है, कोई आ जाता है, हम ऐसे टिक्की खा रहे थे कई बार, तो वही धपस टिक्की खा रहे हो, टिक्की नहीं खाई, मैंने कहा हाँ वो मेरे थोड़ा हो जाता है. एक बार ऐसे मेट्रो में हमें इनका सब्सक्राइबर्स मिले थे, तो दे वर योर फैमिली, मुझे याद है हम कहीं जा रहे थे एंड वो कॉन्स्टेंटली वो वीडियो देखे जा रहे हैं, मतलब सामने देख के मतलब फोन में लगे रहते, फिर हमको देखेंगे, फिर देखेंगे, फिर देखेंगे, फिर यू करेंगे, फिर दोबारा देखेंगे, फिर छोड़ देंगे. उनको लगता है मतलब काफी लोग ना आसपास के, उनको लगता है हम यहाँ रहते ही नहीं है, उनको लगता है कि मतलब जैसे कोई मिलता है ऐसे ऐसे आ गए हो बस. हाँ उनको लगता है कि हम नहीं है, कोई और है, तो वो ना कभी बात ही नहीं कर पाते. जैसे ना वो उस दिन मेट्रो में ऐसे ही हुआ, फिर ना हम उतर गए नहीं पापा ये तो वही थे, और ये तो मेट्रो के गेट, फिर मेट्रो के गेट बंद हो गए, तो फिर वो हमको देखते रह गए. हमें भी लगा मन था बात करने का, बट दे वर नॉट वेरी श्योर, उनको यकीन ही नहीं हो रहा. हम भी देख रहे थे अभी आएंगे, हम आएंगे, आएंगे, एक्सपेक्ट हम तैयार थे, थोड़ा फोटो खिंचाएंगे. सो गाइस मैं तो बहुत लकी हूँ, मैं पहले से ही जानती हूँ इन लोगों को, जब मन करे फोटो खिंचवाओ, ठीक है ऑटोग्राफ लो. सो अच्छा लगता है ऐसे ना कि आप जिनको बचपन से जानते हो, ऑलमोस्ट यू वी वर वेरी स्मॉल या व्हेन वी लाइक स्टार्टेड नोइंग ईच अदर एंड नाउ यू नो दे आर नोन फेसेस, दे आर सो फेमस, पीपल लुक एट देम एंड यू नो दे इंस्पायर अदर्स आल्सो इन सो मेनी वेज, राइट? अच्छा गाइस एक और क्वेश्चन मुझे पूछना है, जो बहुत टाइम से मैं पूछना चाह रही थी कि एक देखा थी वीडियो में भी मैंने आपको देखी कि आप लोगों को प्रपोजल्स वगैरह भी आते हैं, ऐसा कुछ है क्या, लाइक आर गाइस आफ्टर यू कि बब्बू का प्रपोजल की मुझसे शादी करें, ऐसा कुछ है ना, बताती हूँ तो ना कमेंट्स आते हैं. देखो इन जनरल मतलब कोई है ना, अब आप यूट्यूब पर या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यू आर यू नो शोइंग योर डेली लाइफ एंड मेकिंग कॉन्टेंट, तो यू विल गेट एवरी सॉर्ट ऑफ कमेंट्स. सभी कमेंट्स तो बहुत नेगेटिव होते हैं, like why are you like doing this and that, like people pinpoint wale bhi hote hain, kafi appreciating bhi hote hain ki like you are doing good, go girl, good type of, kabhi aise bhi hote hain ki aap kitne varsh ki hain, acha matlab mere liye to chodo bhai, hi Srishti, I am in class 11, I love you so much, aur bola hum generally hum delete kar dete hain, bahut acha nahi lagta hai aise, matlab log to likh dete hain, pata nahi wo फैन बेस होगी, जैसे हम भी अगर हमें कोई पॉपुलर एक्टर होता है तो यार मुझे तो इसी से शादी करनी है, ये बहुत अच्छा लगता है, हम थोड़े स्मॉल हैं, हम भी कर लेते हैं, मे बी उस इंटेंशन से, गलत इंटेंशन से तो नहीं, बट हाँ पीपल लाइक डू राइट सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स की हाँ प्रपोजल टाइप ऑफ, अच्छा इसके लिए भी लिखते हैं. चलो गाइस तो रिश्ते ढूंढने की तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, है और चटपट इन सब की शादी हो जाएगी जब इनकी होनी होगी, आई एम श्योर बब्बू शायद गुड न्यूज़ दे, आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए नीड बोलना चाहिए, बट गाइस आई एम योर साइड आल्सो, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मतलब सेफ साइड खेलूँगी जिसमें बब्बू आसानी से आंसर दे दे और सब कुछ बस ठीक है, बट हाँ कुछ ऐसी न्यूज़ भी आनी चाहिए ना ताकि आपको भी पता चले कि हाँ देर समथिंग एक्साइटिंग, सो मे बी यू नो बब्बू इज़ प्लानिंग टू गेट सेटल्ड और दे लाइक कैन वी एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज समथिंग, कुछ ऐसा है, तो लड़की हमारी बड़ी हो गई है, ऐसा कुछ ऐसा है, और मैं गाइस मेरी शादी हो गई है ना, तब से मुझे है कि सबकी शादी करानी है मुझे, मैं ही क्यों अकेले रहूँ शादीशुदा, सबको टैग मिलना चाहिए शादीशुदा का. So yeah, Babu, what about that? कुछ तो बोलना चाहोगे? Is it on your mind? Like, are you planning to get settled? Is it on your mind? Yes. And I don't know, पता नहीं. But हाँ, मतलब देखो अब इतने बड़े हो गए हो. हाँ, इतने responsible तो हो गए हैं. नहीं, अब बहुत बड़े हो गए हैं. ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं. मतलब I think इतने responsible तो अब हो गए हैं कि we should start thinking about next chapter in your life because obviously there is a time to everything. जैसे आपकी studies, education, आप मतलब you cannot think of कि आप 40 years में school जाके करोगे. I'm not saying there is something wrong, but there is, you know, there is a time for everything. So yeah, maybe in coming 2-3 years, I would also give you some good news. Okay, that's all I can say. Okay, that's great. Okay. Also, Babu,
आपके चैनल जैसे ये चल रहा है मतलब अभी पापा सिस्टर्स, आपके कुछ और प्लान है कि इसके साथ आप कुछ और भी इंट्रोड्यूस करना चाहोगे, कोई और चैनल किसी और चैनल पे आप काम करना चाहोगे, या आपका भी फोकस सब इसी पे ही है पापा सिस्टर्स पे, या कभी होता है कि आप इंडिविजुअली भी कुछ रन करना चाहो या सिर्फ अपने पे ही फोकस करके या किसी और इंटरेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आप कवर करना चाहो, कुछ ऐसा है आपके माइंड में? टाइम तो नहीं है, मेन रीज़न वही है टाइम का। एक्चुअली हमने सोचा था कि आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, तो एक चैनल यूट्यूब शॉर्ट्स का बना लिया जाए। एंड पीपल वर सजेस्टिंग ऑल्सो कि भाई मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स आप बनाओ, अगर आप फुल लेंथ वीडियो नहीं बना सकते तो शॉर्ट्स 30-30 सेकेंड तो वैसा कुछ डालो। बट यू नो वो होता 30 सेकेंड का है, बट एफर्ट्स पूरा लगता है। तो यू नो गोइंग जंपिंग ऑन टू अनदर थिंग, आई फील कि अभी के लिए तो वही है कि आई थिंक फॉर द मोमेंट लाइक आई वुड लाइक टू स्टिक टू दिस चैनल एंड लाइक डू वॉट एवर बेस्ट आई कैन डू फॉर द टाइम बीइंग। ओके, और हमारी थर्ड पापा सिस्टर का है क्या, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या अभी वो है ये बाहर गए हैं? ओके, शी आल्सो हैज हर ओन चैनल। हां राइट, शी पेंट्स गाइस, राइट, शी इज इन पेंटिंग, शी इज इनटू आर्ट बेसिकली, सो पेंटिंग एंड ऑल स्टफ। तो मतलब शी इज गोइंग टू शूट सम ऑफ हर वीडियो। आप लोग मतलब जॉब के अलावा और आप अपनी पढ़ाई के अलावा यू मेक कॉन्टेंट, उसके अलावा कोई ऐसी हॉबी है जो आप परस्यू करते हैं या आपको अच्छा लगता है, आप टाइम निकालते हैं, लाइक वॉट एल्स डू यू डू अदर देन जस्ट योर जॉब, योर रेगुलर स्टडीज एंड दिस यूट्यूब चैनल, और क्या पसंद है? मुझे तो डांस करने का शौक था, खाली मतलब है पर करती नहीं है, बोलती हूँ क्लासेस लगवाने करती नहीं है, क्यों टाइम नहीं मिलता, स्कूल जाके थक जाते हैं, फिर होमवर्क करो, ये करो वो करो, पर ये सारे डांस स्टेप कॉपी कर सकते, मतलब जो देखती है 2 सेकंड में कर लेती है। एक दिन इसके डांस का व्लॉग बनाना। आरती दीदी ने अपने कॉलेज में वो कौन सा गाना था, मुड़ के तू जिले, वो डांस था, वो डांस किया था ग्रीन कलर के कपड़े पहन के, और मैं पागल हो गई थी, हमने कहा कौन ऐसे डांस कर सकता है, उस टाइम में वो बहुत फैंसी सा लगता था। आई नो, हमने वो स्कर्ट पहनी हुई थी, वो कॉलेज फेस्ट था, वी पार्टिसिपेटेड, तुम आए थे, साधना तो थी, मैंने वीडियो देखे थे, वीडियो देखा, मैं तब बहुत छोटी थी, मतलब 7th-8th क्लास में थी, तो मतलब ऐसे लगता है ना यार कोई इतना प्रोफेशनली कैसे डांस कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है उस टाइम में ना। और उस टाइम ये चीजें उतनी कॉमन भी नहीं थी जितनी अब कॉमन है, अब तो लाइक पीपल हैव फोन, तो दे जस्ट आजकल तो कॉन्सर्ट्स, लाइव इवेंट्स और सब सब एवरीवेयर। सो मुझे वो इंस्ट्रूमेंट सीखने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये टाइम इज टाइम इज एन इशू फॉर श्योर, बट हाँ म्यूजिक कह सकते हैं कि इट्स माय इंटरेस्ट। ओके, सो दो लाइन कुछ गाना चाहिए प्लीज, प्लीज 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 दो लाइन, आई एम श्योर ऑडियंस विल लव इट, कुछ भी दो लाइन बताओ, गाना बताओ, कोई भी जो तुम्हें आजकल जो तुम्हारी प्लेलिस्ट में जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे So that was really beautiful, yeah. And you sing very well. Like, professional singer होना चाहिए, मतलब देखो ऐसे होते हैं मल्टी टैलेंटेड लोग। एक लास्ट क्वेश्चन और पप्पू, जो मुझसे पूछा था किसी ने,
आप सौरभ जोशी को भी जानते हैं राइट, तो सौरभ जोशी की वीडियो में आपको देखा होगा एंड समहाउ लाइक एक लिंक जो ऑडियंस बना लेती है. सो हाउ डू यू गाइस नो सौरभ जोशी? ओके, तो सौरभ से हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे, मतलब मेरी जब उससे फर्स्ट टाइम बात हुई थी तो दैट वाज ड्यूरिंग कोविड. ओके, कोविड लाइक पीक कोविड 2021. ओके, तो उसके पहले मतलब शी ही वाज नोन टू माय सिस्टर बिकॉज़ दे यूज्ड टू डू आर्ट टुगेदर, दे गुड फ्रेंड्स. या सो दे वर कनेक्टेड लाइक फ्रॉम लॉन्ग बैक. या ही वाज आल्सो इनटू आर्ट. ओके, सो उसका पहले आर्ट चैनल ही था, तो उसके थ्रू ही न्यू माय सिस्टर बिकॉज माय सिस्टर वाज in one of the best art colleges in India. So like they got along with each other knowing like painting and all similar interests. So उन्होंने मतलब साथ में सीखा like my ऐसे कुछ था, तो वहाँ से मतलब they got along. तो फिर वो हमारे घर भी आने वाला था बीच में like because he that time he was not a vlogger. He was not a vlogger at that time. Okay. जब वो मेरी बहन से मिला था तो he was not a vlogger. He had a channel which was an art channel. तो वो आर्ट चैनल पे अपना वीडियोस वगैरह बनाता था, तो ट्यूटोरियल डालता था, तो मेरी बहन ने भी वहीं से मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें पिक करी मतलब. एंड देन शी गॉट इनटू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस. ओके, एंड ही डिसकंटिन्यूड हिज आर्ट, देन ही फोकस्ड ऑन हिज ब्लॉगिंग. सो माय सिस्टर यूज्ड टू टॉक अबाउट हिम दैट की लाइक आई हैव अ फ्रेंड ही इज नाउ डूइंग ब्लॉगिंग. उस टाइम पता ही नहीं था ब्लॉगिंग क्या होता है बिकॉज तब कुछ नहीं पता था, तब उसको मतलब जान मतलब इतना शायद उसका चैनल भी नहीं था और मतलब इट वॉज नॉट नोन टू अस. और उसके बाद फिर ये हुआ था कि उनको एक बार दिल्ली आना था, तो दिल्ली आए थे तो देन ही केम टू आवर हाउस एंड उसके बाद उसका एक गाना भी वहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो ही केम टू दिल्ली, तो हम फर्स्ट टाइम तभी मिले थे. एंड उसके बाद ही डिड म्यूजिक वीडियो विद माय सिस्टर, तो फिर अब तो मिलना वैसे होता. सो गाइस दे आर सेलिब्रिटी, इनकी जो सिस्टर है दी अदर थापा सिस्टर, उन्होंने तो सौरभ जोशी के साथ वीडियो की है एंड दैट वीडियो इज सो पॉपुलर, यू कैन चेक इट आउट ऑन यूट्यूब एंड एवरीवेयर. आई थिंक इट्स एवरीवेयर लाइक ऑन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म, म्यूजिक प्लेटफॉर्म. सो गाइज बस लेट्स कॉल इट अ रैप. अभी मेरे पास बस बकेट लिस्ट में यही क्वेश्चंस थे, फिर कभी अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा तो फिर हम ये Q&A वीडियो करेंगे. देन आई हैव सम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस व्हिच विल मेक देम अनकंफर्टेबल. फिर ये मुझे अपने घर में बुलाएंगे कभी. सो गाइज लेट्स कॉल इट अ रैप, अभी हमें बाहर भी निकलना है छतों पर, वी आर ऑलरेडी वेरी लेट एंड वी हैव टू कम बैक ऑल्सो. So let's just wrap it up over here and हम लोग next जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे अपने destination पे जहाँ कैफे जाने का plan कर रहे हैं, and then we'll start vlogging there. Okay, till then, bye bye.